हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। यह है क्रूसिबल क्वेस्ट का दूसरे पार्ट का वीडियो, जिसमें हमें सुपीरियर कैंग बॉस के साथ लड़ेंगे। एंड 50% आप लोगों ने देखा ही था, हमने 7 पार्ट में किया था। अब जो दूसरा पार्ट होने वाला है, जो दूसरा पार्ट होने वाला है, ये 6 पार्ट्स में होने वाला है। हर एक तो इस पार्ट में टोटल मेरे ख्याल से 32 फाइट्स हैं। किसी पार्ट में 6 वीडियो डाल, 2 पार्ट्स में 6 वीडियो डालूंगा, बाकी सब पार्ट्स में 5 वीडियो होगा। हम ग्रैंड गोब्लिन वाला पार्ट लेने वाले हैं, जिसमें एट द एंड हमें सुपीरियर कैंग के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन उससे पहले ये कैंग भी है, ये भी बहुत मुश्किल है, इसका भी देखना पड़ेगा। मुश्किल क्या है, मतलब है थोड़ा ट्रिकी है, बाकी देखना पड़ेगा क्या करना है सुपीरियर कैंग। ठीक है, तो लेट्स फाइट। एंड पहली फाइट हमारी ग्रीन रेड गोब्लिन के साथ है। इसके लिए मैं सबसे पहले रोनन लेके जाऊंगा, क्योंकि जितने भी डीबफ हम डालेंगे वो एक टाइमर के बाद में 8 या 10 सेकंड के बाद में वो उसके बफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर बफ में कन्वर्ट हो गए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा रोनन के लिए। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैं रेड गोब्लिन लेके जा रेड गोब्लिन के लिए हम यहाँ पे रोनन लेके आएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा डीबफ लगेंगे उतनी ज़्यादा फ्यूरी इसको मिलती रहेगी। ठीक है, लेट्स फाइट एंड देखते हैं क्या होता है इस फाइट में। गाइस फाइट करते हैं शुरू, एंड अपना स्पेशल वन हमें रेडी करना है। उसके बाद में जितनी ज़्यादा डीबफ उतने ज़्यादा अपने को क्या मिलेगी, उसको मिलेगी फ्यूरी। 3 डिबफ लगा चुका हूं, 3 फ्यूरी आ चुकी है उस पर। तो आई बस, ऐसा क्यों? मुझे एक रैलिक बाइंड कर लेना चाहिए था यार, मेरे को लगता है मैंने गलती कर दी। ओके 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 ओके, 13 फ्यूरी आ चुकी है। ओके एक सेकंड, नाइस, अच्छा डैमेज, 1.5 लाख का डैमेज था, नाइस। ये फाइट खत्म हुई, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, देखते हैं किसके साथ है। ठीक है, देख लेते क्या है। मैं सरपंट लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इवेड नहीं कर सकता सरपंट को। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, बाकी देखना पड़ेगा। सरपंट को पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता तो नहीं है ज़्यादा इसका। फियर लगा दिया है हमने। ओके ओके, आई थिंक फियर से ना वो गायब हो रहा है शायद, आर्मर अप इसका। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, अच्छी खासी मार खा रहा हूं। ओके ठीक है, तेरी तो साले ऐसे की तैसी। ओके डैमेज नहीं हो रहा ना इसको। हाँ आई डोंट नो क्यों नहीं डैमेज हो रहा, बट ठीक है। ओके ये दे दिया स्पेशल वन अगेन हमने, 31 पे पहुंचा दिया इसको, नाइस। ओके अब आ रहा है अच्छा खासा डैमेज, 16 पे पहुंचा दिया, नाइस। ओ नो मैन, मैं फॉरवर्ड क्यों करके गया इसको, बच जाऊं इस बार तो बताऊं इसको फिर मजा में। ओहो चलो एक छोटा सा रिवाइव मारते हैं, जल्दी से खत्म हो ही गया था लगभग। पहली बार सरपंच से खेल रहे हैं तो चलो इतना तो चलेगा ही। ओके निपटा दिया इसको, एंड चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, जो कि टास्क मास्टर के साथ है। वहां देखना है हमें क्या करना पड़ेगा। इस फाइट में टास्क मास्टर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल का ही डैमेज लेगा, तो क्रिटिकल हिट्स मारेंगे तो ही डैमेज मिलेगा।
क्लास एडवांटेज के साथ में मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे डोमिनो हाई रेटिंग क्रिटिकल मारती है, दैट्स वाई कोशिश ये करो कि बार बार इसको स्पेशल टू पे ही पुश करो। अरे नहीं मिलाया क्रिटिकल। और हाँ स्पेशल जो है वो अनब्लॉकेबल है, वो भी ध्यान में रखना। ओके नाइस। ओके ओके अब मिलना चाहिए डैमेज। चलो मिल गया थोड़ा बहुत डैमेज। ओवर टाइम काम नहीं कर रहा है वरना काफी हेल्थ डैमेज हो गई होती इसकी। ओह शिट मैन, मैंने डैक्सी नहीं किया बट एनी वे कोई बात नहीं। फिर से अनलक्की दे दिया है हमने बट डैमेज नहीं हो रहा भाई मेरे। हो जा, नॉर्मल गेम खेलनी है यार हमें डोमिनो से। अब वही अपने लक पे है कितना कब कब डैमेज मिलेगा। 20-30 हजार का डैमेज चाहिए मेरे को यार, ये नहीं चाहिए 2-2 हजार वाला। ओके स्पेशल टू पे पुश कर दिया इसको अगेन हमने। रैलिक को बचा के रखते हैं, आगे काम आएगा। 20,000 का डैमेज था वो। ओके ठीक है 55 पे पहुंच गया है। स्पेशल वन से अवॉइड करता हूं मैं इसको। ओके ओके अब डैमेज दे दे यार। शिट मैन अभी भी डैमेज नहीं मिला। ओके अगेन हमने स्पेशल टू पे पुश किया इसको। ओके ठीक है फिर से इसको स्पेशल टू पे ही पुश करेंगे, कोशिश यही रहेगी। ओके दे दिया 5-19-23 हजार का डैमेज। ओके अगेन शिट। अरे नहीं यार डेक्स करने में हम हो गए लेट। ओके छः। अरे नहीं मिला डैमेज यार शिट। चलो रिवाइव मारते हैं। ओके लेट्स गो अगेन, इस बार खत्म करके ही छोड़ेंगे इसको। ओके इंटरसेप्टर डेक्स जब करोगे इसकी क्रिटिकल एबिलिटी आप गिरा सकते हो 8 सेकंड के लिए। भाई क्रिटिकल डैमेज दे दे यार 18,000 का बस। लास्ट वाली हिट पड़ जाती है यार। ओके नो प्रॉब्लम, मारो साले को यही मारो फिर। ओके स्पेशल टू वेट करवा दिए। 22% पे है वो अभी भी, 20% पे। ओके स्पेशल टू पे पुश करो उसको। इजी है स्पेशल टू डेक्स करना एज कंपेयर टू स्पेशल वन। साला एक क्रिटिकल शॉट नहीं मिला कॉम्बो में, ये देखो मिल ही नहीं रहा है भाई। 8 हिट्स मारी एक क्रिटिकल शॉट नहीं मिला मुझे। ओके अगेन मैंने स्पेशल टू पे पुश किया इसको। ओके अटते रही तो साले ऐसे की तैसी। 7% रह गया,
अगर एक स्पेशल 2 का हिट आ जाए ना, मजा आ जाएगा। अरे नहीं, उससे पहले मेरे को ही पड़ जाएगा। ओके, स्पेशल 2 का हिट आ जाए यार। बेटे क्या कर रहा है यार तू, बार बार साला एक हिट नहीं मिल रहा हमें। ओके नो प्रॉब्लम इन दैट, स्पेशल 2 बेट करवाते हैं एंड स्पेशल 1 फेंकते हैं अपना। चलो ये हुई फाइट खत्म, चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट फाइट पे, पार्ट 1 की फोर्थ फाइट पे। जब भी 5 हिट मारोगे आपको एक चार्ज मिलेगा, और अगर वो चार्ज रहते रहते आपने इसको नॉकडाउन किया तो आपको डैमेज मिलेगा। तो ये चार्ज हटाने के लिए या तो इंटरसेप्ट करो या तो हैवी फेंको, मेरा यही मकसद रहेगा। ओके फाइट लंबी हो सकती है। ओके हो सकता है बीच में मार भी पड़ जाए। ओके एक और चार्ज आ गया हमारे पे। ओके 3, अच्छी बात है, साला अनब्लॉकेबल नहीं है, प्रोटेक्शन लगी है तो हैवी से नॉकडाउन करना ही पड़ेगा तुम्हें। ओके प्रोटेक्शन लगी हुई है, देख रहे हो आप, इंटरसेप्ट करने से 2 चार्ज हटेंगे लेकिन ऐसे मार खाने से कोई भी नहीं। ओके मारो साले को स्पेशल। ओके 84% पे है एंड 80 पे पहुंच गया। यहां एक काम करते हैं, चुपचाप मारते हैं, बाद में देखेंगे भाई, जब मरना होगा ना रिवाइव मार के कर लेंगे साले को एंड में, अभी ठोकते हैं साले को। ओके प्रोटेक्शन हटाना इंपॉर्टेंट है वरना डैमेज नहीं मिल पाएगा उसे। ओके ठीक है, अभी 6 चार्जेस है ना, चलो 5 हो गए, 6 वापस से 6 हो गए। ओके 5 अभी फिर से 5 हो जाएंगे। ओके 4 हो गए, 4 अभी 4 वापस से हो जाएंगे। साला डैमेज क्यों नहीं मिल रहा है यार हमें, अब वापस से 4 हो जाएंगे देखा। अरे शिट, 1.1 मिलियन की हेल्थ है साले को, ये भी ध्यान में रखना है। एक हैवी ठोकते हैं इसको, प्रोटेक्शन हट गई ना, हाँ अब मारते हैं। जब प्रोटेक्शन वापस आएगी फिर से ठोकेंगे साले को। फिर 50 पे पहुंचा दिया, अब यहां पे हैवी ठोकते हैं एक। ओके ये मारा एक हमने, प्रोटेक्शन हटा के डैमेज, अपने ऊपर 4 चार्ज है ना। एक मिनट, ये प्यूरिफाई कैसे, अच्छा वो आई ना शील्ड वापस आ गई यार, बैड टाइम बैड टाइम, बहुत ही खराब टाइम पे हमने पैरी कर दिया इसे, बट कोई नहीं मारो फिर चुपचाप फिर से। 5 स्टार का निक फ्यूरी है, दैट्स वाई डैमेज अच्छा नहीं आ रहा है, वरना 6 स्टार का होता अभी तक 10-20% पे पहुंचा होता। अबे यार फिर वही सीन हो गया, क्या यार किस्मत खराब हो ना भाई, आप जरा सी बात पे भी फिर बवाल हो सकता है, जहां रिवाइव लगने नहीं चाहिए वहां लग रहे हैं रिवाइव, यार हद हो गई भाई, किस्मत इतनी खराब है, साला प्यूरिफाई पे मार रहा है। ओके
रुको यार, ये हटाते हैं, चार्ज हटाते हैं। 19 हो गए ना, एक चार्ज है हमारे ऊपर। मारो साले को स्पेशल टू। ओके हटाओ एक और चार्ज, एक ही चार्ज रह गया अपने ऊपर अभी। मारने देते स्पेशल इसको। ओके ठीक है, फिर आ गया चार्ज यार, हद हो गई यार, एक और चार्ज आ गया यार। ओके अभी आ गई प्रोटेक्शन वापस, हैवी ठोकना पड़ेगा एक और। अब मार सकते हैं स्पेशल टू क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। अबे यार 15 चार्ज हो गए, मतलब वो इमोर्टल पे जाएगा। ओके शील्ड वापस आने वाली है, ठीक है कोई बात नहीं, एक हैवी ठोकते हैं, शील्ड हटाते हैं पहले, और चार्ज भी आ जाएगा ना। नहीं चार्ज नहीं आया। ओके अभी टाइम वेस्ट करना है। अरे नहीं, अबे यार। ओके वेट, ऐसे ही मर जाएगा साला, हद हो गई यार। इस फाइट में हमें आर्मर ब्रेक इम्यून लाना है। अगर 3 डिबफ हमारे ऊपर आ गए तो सामने वाला अनब्लॉकेबल हो जाएगा, तो इसलिए गाइज यहाँ पे ध्यान रखना। और पावर बहुत जल्दी बनेगा साले का, हरामी का। ओके ओके स्पेशल ठोकने देते हैं यार। ये हमारा एनर्जाइज भी है 50%, उसका भी ध्यान रखना। ओके हमारे पास 4 रप्चर है ना। हाँ रप्चर्स को रिफ्रेश कर लेते हैं, 5 हो गए। जितने ज्यादा रप्चर उतना अच्छा डैमेज। ओ भाई स्पेशल 3 पे पहुंचने वाला था ये, अपना तो कांड ही हो गया था। ओके देखा डैमेज देख रहे हो। रप्चर्स को रिफ्रेश कर लो स्पेशल 1 मार के। आर्मर ब्रेक इम्यून लाओगे तो डिबफ नहीं लगेंगे ज्यादा, एंड उस वजह से क्या होगा कि आप अनब्लॉकेबल नहीं होगी ये फाइट, वरना दिक्कत आती है भाई बहुत। शिट मैंने इसको स्पेशल 3 पे पुश किया ना, गलती बहुत बड़ी कर दी मैंने, बचना चाहिए बस। डैमनेशन लग गई है। बच गया थोड़ा सा, अरे नहीं बचा यार। छोटू सा रिवाइव लगेगा इधर पे, इसको निपटा देंगे, इसके बाद ओल्ड मैन लोगन पे जाएंगे। ओके हट तेरी तो ऐसे की तैसी, रुक। एक रप्चर आ गया, आजा। ओके रप्चर को रिफ्रेश करते रहो क्योंकि ये आपको डैमेज दिलवाएंगे भाई। स्पेशल 2 पे पुश कर दिया, जब भी नॉकडाउन करते हो एक टाइमर चलता है 4 सेकंड का, अगर उस 4 सेकंड में इसने आपको हिट किया तो इसका पावर बार बहुत जल्दी बनेगा भाई। ओके रप्चर, ओके डन। चलो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं जो कि ओल्ड मैन लोगन है। जब ये बंदा 1% पे पहुंचेगा तो 5 बारी ये चार्ज है इसके पास रिवाइवल, 5 बारी रीजन कर सकता है, लेकिन अगर आप हील ब्लॉक करोगे तो आराम से इसको निपटा सकते हो। और 10 हर 10वें हिट पे आपको फॉल्टर मिलेगा, उस चीज का ध्यान रखना। और बबल शील्ड भी है भाई, तो मैं तो सोच रहा हूं कि बेसिक की फाइट खेलूं, वही बढ़िया रहेगा मेरे लिए। देखो 4 ही अब रह गए इसके, वो चार्ज 27 हो गया ना।
शिट, मुझे हील ब्लॉकर डाल देना चाहिए था। ओके ओके थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है यार फॉल्टर, क्योंकि साला वो रीजन करे जा रहा है यार, ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, फोकस नहीं हो पा रहा मैं। हम तो यहां तो बेसिक हिट ही खेलना पड़ेगा, बेसिक फाइट खेलनी पड़ेगी। ओके 72 ना डाल दिया, एक और हील ब्लॉकर यार, यही तो दिक्कत है, फॉल्टर लग रहा है साला, 7 हिट मार रही है ना भाई। रुक जा यार, एक स्पेशल 3 मार के देखे कितने हिट मारते हैं इसमें, 1 2 3। अब तो फॉल्टर ही मिलेगा ना मेरे ख्याल, कि नहीं? हाँ मिल गया फॉल्टर, रुक जाओ। ओके अब मिल रहा फॉल्टर, ओके फिर से हील ब्लॉकर, हील ब्लॉकर डालना पड़ेगा, डाल दिया। 3 ही रहते हैं ना इसके अब वो चार्ज। हाँ ओके वेट यार, फॉल्टर हटाना है और हील ब्लॉकर डालना है, डालो स्पेशल 3 एक और। ओहो मुझे लगता है एक रिवाइव लग जाएगा यार, 32 ना। ओके डाल दिया एक हील ब्लॉकर, ओके अगेन एक फॉल्टर मिला है हमें, ओके हील ब्लॉकर डाल दिया, एक ही चार्ज रहता है इसका अब। ओह शिट, ओके निपटाते हैं जल्दी से इसको, हील ब्लॉकर नाइस। ओके अगेन मेरे को हील ब्लॉकर डालना है जल्दी से, ओके एक और हील ब्लॉकर, स्पेशल क्यों नहीं छोड़ा इसने, ये आ गया हील ब्लॉकर, ओके ओके एक हिट, अरे यार फॉल्टर लगेगा अभी, लग गया ना शिट, स्पेशल 3 ठोकते हैं इसको, मर जाएगा मेरे ख्याल से, मर ही जाएगा वैसे, वो बच गया। ओके यार इसके बाद रिवाइव चांस है ना, साला फॉल्टर यार, फॉल्टर ने बड़ा लफड़ा डाला है मेरे पे। वेट 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 गाइस, ओके ओके हील ब्लॉकर हमने डाल रखा है, 2 चार्ज है इसके पास, ओके एक ही चार्ज रह गया, निपट गया भाई। ओके गाइस ये था पार्ट 1 का एंड, एंड गाइज हमने काफी 6 फाइटें की इस पार्ट में। आई होप आप लोगों को पसंद आए, लाइक कमेंट जरूर करो, जल्दी मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, और क्रूसिबल लगभग खत्म ही होने वाला है, तो जल्दी मिलता हूँ गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।
का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।